जिससे हलकान है। और इसी मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का क्या कुछ कहना है, जायजा लिया है, बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2019 की शुरुआत जो है वो हो गई है। आज सेमिनार का उद्घाटन किया सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ होगा इसमें जो अभियान ये चलाया जा रहा है? देखिए, ये जो संचारी रोग है और साथ ही साथ जो दिमागी बुखार जिस JEAES कहते हैं, उसके अंदर किस तरीके से उसका रोकथाम किया जा सकता है, उसकी प्रेरणा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोग को दी और पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। और उसके अंदर जो हम लोगों ने देखा, जो संचारी रोग के भी हमने जो आंकड़े देखे, वो उसमें बहुत सुधार बड़ा बेहतर हम लोग ने किया है। और उसी तरह से JEAES की भी लड़ाई के अंदर, और इसके अंदर जो 11 विभाग हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बनता है और सब विभाग उसके साथ कार्य अपनी योजना बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं और ये पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। तो उसी को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, उसी कार्यक्रम को। मगर इस दफ़े कार्यशाला में जो हमारे कमियां कुछ रह गई थी, उसके अंदर किस प्रकार से हम लोग सुधार कर सकते हैं मिलकर और अच्छे रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, वो सब चीज़ कर रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे अपील भी की है कि वो लोग अपना जो है वो लोगों का जीवन बचाने के लिए काम करते रहें, चाहे वो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन के साथ ही काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन काम जारी रहे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।